हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बिना अंडे के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ऑमलेट। तो बिना स्किप के पूरा रेसिपी ज़रूर देखिएगा। वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। तो इस रेसिपी के लिए हमने यहाँ पे लिए है गोटा मूंग। तो हमने इस बाउल में गोटा मूंग लिया है, उसके साथ साथ हमने यहाँ पे लिए है थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, और उसके बाद थोड़ा सा मिर्ची, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे लिए है बादाम, मूंगफली थोड़ा सा, और उसके साथ ही हमने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चीनी। गैस चीनी भी ज़रूरी है। और उसके साथ हमने यहाँ पे लिए है थोड़ा सा काला जीरा और साबुत जीरा और थोड़ा सा पनीर। तो इन सारी चीज़ आप ही लेना। तो हम अब यहाँ पे मूंग को थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेते हैं गाइस। इस कंसिस्टेंसी में बिल्कुल हमने इसको पीस के रेडी कर लिया है। उसके बाद हम सिलपट्टे में सारे चीज़, बाकी जो भी था मूंग को छोड़ के, सारे चीज़ हम पीस लेंगे। आप चाहो तो मिक्सर में भी पीस सकते हो। इसको बिल्कुल ज़्यादा पतला नहीं करना, एकदम गाढ़ा रखना है, बिल्कुल पानी बिना यूज़ किए। तो गाइस इस तरीके से हम सिर्फ एक ही चम्मच पिसा हुआ मूंग इस बाउल में रखेंगे, और सारा कुछ और दूसरा जो भी बचा हुआ था वो एक प्लेट में रखेंगे, और इसमें हम ऐड करेंगे सिलपट्टे में हमने जो भी पिसा था वो सारा कुछ। और उसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मिक्स कर। और ये रहा गाइस बाकी पिसा हुआ मूंग। तो अब हम कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखे, और कढ़ाई गर्म हो चुका है। उसके बाद हमने यहाँ पे तेल, ऑयल यानी कि तेल ऐड कर दिया है गाइस। अब हम गाइस जो भी हमने प्लेट में बचा हुआ पिसा हुआ जो मूंग था वो रखा था, जो प्लेट में रखा था, जो बाउल में मिक्स करके रखा था वो वाला नहीं, जो प्लेट में रखा था उसमें से एक या डेढ़ चम्मच के करीब वो पिसा हुआ मूंग ले के हम यहाँ पे स्प्रेड करेंगे। इस आप कढ़ाई भी ले सकते हो या फिर तवा भी ले सकते हो, हमने थोड़ा कढ़ाई लिया है। तो यहाँ पर हम इसको स्प्रेड करेंगे जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से स्प्रेड करेंगे, क्योंकि हम उससे 3 या 4 ऑमलेट बनाएंगे। तो आप जितना बनाओगे आप उसी हिसाब से करना, अपने क्वांटिटी के हिसाब से। तो ऐसे अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हम जो बाउल में रखे थे मिक्स करके, बाउल में जो मिक्सर रखा था मिक्स करके, तो वो हम बीच में से ऐसे लगाएंगे जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से बीच में से लगाएंगे हम। गैस ऐसे लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे अगर आप बीच में से लगाओगे ना, वो बादाम, चीनी, जीरा जो भी हमने पीसा था सिलपट्टे में, और जो एक चम्मच हमने मूंग दाल मिक्स किया था वो वाला मिक्सचर, तो बीच में से ऐसे लगाने से ना ये ऑमलेट का टेस्ट दुगना कर देता है। तो आप इसको स्किप मत करना, ठीक है, इसको ज़रूर कीजिएगा। जैसे आपको वीडियो में बताया गया है सारा स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो ये खा के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है। अगर आप लोग वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेज भी हो, आप भी ज़रूर ट्राई करना, और सब कोई ट्राई करना गाइस, से बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो नीचे से पक चुका है, उसके बाद हम इसको फोल्ड कर देते हैं। और गाइस अगर आप इसको ट्राई करते हो ना ये वाला ऑमलेट बना के, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको खा के कैसा लगा। इसको आप ऐसे भी खा सकते हो नाश्ते के तौर पर, या फिर आप राइस के साथ भी इसको ले सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइस इसको पकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और यहाँ पे हमने उतना ज़्यादा कुछ नहीं यूज़ किया है, और जो भी यूज़ किया है इजीली अवेलेबल चीज़ें हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। और ये हमारा ऑमलेट रेडी हो चुका है। तो गाइस हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, बाय बाय, टेक केयर।